हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जो मैंने कहा था दिस इज द बैकबोन ऑफ बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स ओके, बैकबोन कहलाता है नंबर सिस्टम। उसमें हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग सेक्शन वाइज एक एक टॉपिक पे फोकस करते चले जाएंगे और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज मैं उसी में से एक सेक्शन पिक करने जा रहा हूँ, काउंटिंग जीरो। तो नंबर सिस्टम में ही ये टॉपिक पूछे जाते हैं, काउंटिंग जीरो, यानी हिंदी में गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना, ओके, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एसएससी हो, रेलवे हो, एमबीए के एग्जाम्स हो, ये हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जीरो जो डिपेंड करता है एंड में, वो किसके किसके किस दो नंबर के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैं कुछ रफ वर्क करके पहले देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि बताओ भाई जीरो जो हमारा डिपेंड करता है, जैसे आप 2 × 5 लिखते हो, 2 × 5 तो कितना, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है, तो एक जीरो आया। इसी में अगर हम 2² × 5² करें, अब बताओ कितना जीरो आएगा, तो 2² = 4 और × 5² 4 × 25 कितना हो गया, 100, तो 2 जीरो आया। 2³ पावर में अब इंक्रीज करते चला जा रहा हूं, 2³ × 5³ जब आप करते हो तो कितना जीरो आता है, 3 जीरो आता है, ओके। यहां तक सबको क्लियर है, 2³ मतलब 8 और 5³ मतलब 125, 8 × 125 = 1000। आप सब लोग सोच रहे होंगे कितना सिंपल सा चीज बताया जा रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, अब हम क्वेश्चंस पे तुरंत थोड़ी देर बाद मूव करेंगे। ये फिलहाल समझाने का एक तरीका है कि जीरो जो है किस पर डिपेंड करता है। जैसे 2 का पावर 60 है और 5 का पावर भी 60 हो, तो क्लियरली कितना जीरो प्रोड्यूस होगा एंड में, 60 जीरो प्रोड्यूस होगा अंत में। क्यों ऐसा आपने कंक्लूड किया, क्योंकि जब आप पावर 1 देख रहे हो तो 10 आ रहा है, 2 देख रहे हो तो 20 आ रहा है, 3 देख रहे हो तो 30 आ रहा है, तो 60 होगा तो कितना जीरोस प्रोड्यूस होगा एंड में, तो 60 प्रोड्यूस होगा। अगर आपके दिमाग में एक ये सवाल उठ रहा होगा कि सर पावर अगर डिफरेंट हो तब क्या जीरो कैसे प्रोड्यूस होगा, पावर अगर डिफरेंट हो, जैसे 2 का पावर 70 है बाबू और 5 का पावर 64 है, अब इस स्थिति में कितने जीरोस एंड में आएंगे, कितने जीरोस प्रोड्यूस होंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि 2 और 5 का जो पेयर है वो कितनी बार फॉर्म हो पाएगा, 64 टाइम्स फॉर्म हो पाएगा, यानी इस स्थिति में कितने जीरोस प्रोड्यूस होंगे, 64 जीरोस प्रोड्यूस होंगे। तो इस एग्जांपल के जरिए हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिला कि जिसका पावर लोअर होगा उसी पर जीरो क्या होगा, डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ओके। तो ये तो मैंने 2 और 5 ऐसे करके बताया, लेकिन रियल एग्जाम में इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो पूछने का क्या तरीका हो सकता है, तो काउंटिंग जीरो को मैंने 2 टाइप्स में बांटा है, मेनली 2 प्रकार में, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो फिलहाल हम लोग टाइप 1 ये करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं टाइप 1 एग्जाम्पल्स, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद आपको बनाने को भी दूंगा और हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं उस पर मैं आ रहा हूं। जैसे पहला टाइप है क्वेश्चन पूछने का कि भाई साहब 125 × 19 × 35 × 24 × 15, एक और ले लेता हूं × 15। अब जरा ये बताओ कि इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में जीरोस कितना आएगा, काउंटिंग करने के बाद एंड में, काउंटिंग जीरो जो हम लोग कर रहे हैं एंड में, मतलब फ्रॉम द राइट, जीरो लगातार कितना आएगा फ्रॉम द राइट, दाहिने तरफ से, ओके। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन 2s and 5s, और कोई नंबर से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2 और 5 को पिक करना है, सेलेक्ट करना है।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 125 जो है इट इज द क्यूब ऑफ 5, तो 5 क्यूब यहां से पिक कर लो। 12 में कितने टूज हैं? 2 स्क्वायर। कैसे 2 स्क्वायर आया? बिकॉज वी नो दैट 12 मतलब 4 into 3, और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 3 को जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ, सिर्फ 2 और 5 पर फोकस करो। बार बार मैं कह रहा हूं टूज एंड फाइव्स पे। अब 19 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ना तो इसमें 2 है ना तो 5 है। अब 35 में भैया, 35 में कितने 5 हैं? सिंगल 5, बिकॉज 5 into 7 में इसे ब्रेक किया जा सकता है, तो 5 को वहां से पिक करेंगे। एंड 24 में 2 क्यूब, 8 into 3 इज 24, और 15 में 5 into 3, 3 को भूल जाओ। अब जरा काउंट करो तो कितने कुल मिला के टूज आए, तो टूज की संख्या है 2 और 3 5। पावर ऐड होता है जब बेस सेम होता है, तो पावर इज टू बी एडेड। तो 2 की कुल मिला के पावर्स कितनी आई? 5। और 5 का संख्या कितना है? 3, 1, 4 और 1, 5। 5 भी 5 बार आया, यानी क्लियरली अब आप कह सकते हो कि इन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अंत में जब जीरो काउंटिंग होगा तो जीरो की संख्या कितनी होगी? इस पर भी 5 है, इस पर भी 5 है, तो क्लियरली कितना जीरो आएगा? क्लियरली इस एक्सप्रेशन में क्लियरली स्पष्टतः 5 जीरो आएगा। तो इस अंदाज से, इस स्टाइल से आप जीरो काउंट कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियरली 5 जीरो विल बी द आंसर। ओके, दो चार एग्जांपल्स मैं टाइप 1 पर ले रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग फिर मिल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। ओके, अगले एग्जांपल बढ़ने से पहले एक आपके सामने एक मोटिवेशनल थॉट्स ये है कि इच न्यू डे देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरी डे, सो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। हर दिन एक नया सुबह होती है, एक उम्मीद की किरण आपके साथ सामने आती है। क्या हुआ पास्ट में, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ। एक नए सिरे से अब हम लोग स्टार्ट करें अपना जर्नी को, अपने लेक्चर्स को, आप अपने पढ़ाई को आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा। इसलिए जस्ट स्टार्ट इट, कितने आप वीक हो इट डजंट मैटर, वीक से आप स्ट्रॉन्गर बन सकते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको सजेस्ट करें। जहां भी आप पढ़ते हो वहां वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो टॉपिक आपको सजेस्ट किया जाएगा हमारे टीम के द्वारा वो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए बी पेशेंट, धैर्य रखें, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश करेंगे। अब हमारा सेकंड एग्जांपल कुछ यूं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं टाइप 1 पे ही, जैसे सवाल है मेरा 625 into 14 into 32 into 19 into 135। मान लो ये सवाल है, अब बताओ भैया इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाउ मेनी जीरोज यू विल गेट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, कितने जीरोज आपको प्राप्त होगा गुणनफल के अंत में? तो यू नो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 एंड 25 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 5, तो कुल मिला के 625 जो है 25 का स्क्वायर है, और 25 जो है खुद 5 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर हो जाएगा फाइनली 5 to the power 4। 14 में कितने टूज हैं? सिंगल 2, बिकॉज 2 into 7 हम लोग जानते हैं, 7 दुनी 14 जानते हैं, तो 2 को वहां से पिक कर लो, सेलेक्ट कर लो, 7 को भूल जाओ। 32, यस, 2 का पावर 5 कहलाता है 32, क्योंकि जब आप 32 का एलसीएम लोगे ना तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख डाला? 2 to the power 5। 19 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो ये तो
इसमें ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, बिकॉज इट इज प्राइम नंबर। अब 135 में एक सिंगल 5 है, 5 into 27 is 135, तो 5 को वहां से आप पिक कर लो, सेलेक्ट कर लो, फिर से काउंट करो तो कितने टोटल 2s हैं, तो 2 की टोटल संख्या है 6, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 1 plus 5, 2 का पावर है कितना, 6, और 5s भी 5s का पावर लेकिन कितना है, यहां वहां 4, यहां 1, तो 5 टू द पावर 5 है। इस बार देख सकते हो ना, पिछले एग्जाम्पल में पावर सेम आ गया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में पावर डिफरेंट आ गया, और मैंने कहा था जिसमें पावर लोअर होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जीरोस निकालने के दरमियान। तो बताओ क्लियरली इसमें कितने जीरो होंगे भैया, तो क्लियरली 5 जीरो होंगे, क्योंकि 6 और 5 में 5 है, तो 5 जीरो इसमें ये है प्रोडक्ट में आएगा, अंत में 5 जीरो आएगा। ओके, अब अगले एग्जाम्पल पे एक और एग्जाम्पल आपके समक्ष, पहले मैं अभी समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग कुछ डाउट्स भी करेंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस भी होगी आगे। अगला एग्जाम्पल है, अगर मेरा क्वेश्चन है कि भैया 2 into 3 into 7 into 11 into 13 into 19 into 29, मान लो ये क्वेश्चन है। अब आपसे कोई सवाल करे कि बताओ भाई इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरोस आएगा इंड में, तो देखो 2 तो एक नजर आ रहा है, लेकिन 5 कहीं पे भी नजर आएगा, 5 का फैक्टर कहीं पे भी, वहां से यहां तक कोई कहीं 5 नजर आ रहा है, 5 का मल्टीपल, कोई 5 का गुणक नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, 2 भले है लेकिन 5 नहीं है, तो इस केस में क्या आप कहोगे, नो जीरो एट ऑल, एक भी जीरो नहीं आएगा, नन, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, नो जीरो। फिर से समझो मेरी बात, 2 तो आपको नजर आया लेकिन 5 ही नहीं है, तो विदाउट 5 वी कैनॉट फॉर्म जीरो, तो 5 का भी होना जरूरी था तभी जीरो एंड में आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, एक और इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूं, जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन था एसएससी में, मेरे जेहन में अभी आ रहा है दिमाग में, कि सवाल इस प्रकार था कि भाई 4 का पावर 61 है प्लस 4 का पावर 62 है प्लस 4 का पावर 63 है प्लस 4 का पावर 64 है, ये सवाल है। इस क्वेश्चन में बताओ जीरोस कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आराम से 4 का पावर 61 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लो 4 का पावर 61, तो यहां पे बचा क्या 1, यहां पे 4 की पावर कितनी बची 1, क्योंकि 61 आपने निकाल बाहर किया है, 4 का पावर यहां क्या बचा स्क्वायर, क्योंकि 61 निकाल 63 था, और यहां क्या 4 का क्यूब, ये बचा है बच्चों। ओके, अब बताओ ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट सेकंड स्टेप में हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, 1 + 4 5, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 + 16 21, 21 और 64 85, 21 और 64 कितना हुआ 85। अब हमें देख सकते हो 2s बहुत ज्यादा है, जैसे 4 मतलब 61 है, तो 61 दूनी क्या हो जाएगा 122, और यहां 5 × 17 में भी ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं 85 को। अब आप बताओ 2 की भरमार है लेकिन 5 बेचारा एक ही है सिंगल, तो कितना जीरो इस केस में प्रोड्यूस होगा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि यहां 5 का पावर क्या है 1 है, 5 बेचारा एक ही है, 2 की भरमार है, तो
कितना जीरो आएगा इस केस में, 1-0, क्योंकि 5 एक ही बार सपोर्ट कर पाएगा किसका, 2 का। ओके, तो ये कहानी है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का। अगला एग्जांपल, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, देखो मियर नॉलेज इज नॉट पावर, आपके पास बहुत नॉलेज है, एक्शन इज पावर व्हेन डायरेक्टेड बाय नॉलेज। बहुत आप विद्वान, मतलब बहुत आपकी जानकारी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप करना नहीं जानते, तो योर नॉलेज विल बी फ्लॉप्ड, आपका नॉलेज बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी आप सीखते हो उसका फ्यूचर में इस्तेमाल करना सीखो, तभी वो आपके दिमाग में टिका रहेगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए नॉलेज को गैदर करो, ठीक है, डेली बाय डेली कलेक्ट करना है। सब लोग सीखते हैं डेली बाय डेली, ओके, तो आप भी सीखो, हम सब सीखेंगे एक एक करके। अब हम लोग इसी तरह टाइप 2 में एंट्री ले रहे हैं, मान लो वो टाइप 1 था, टाइप 1 में आपने देखा कि क्लियरली वो जो था सिंपल प्रोडक्ट पे आधारित था। सबसे पहले एक चीज बताओ टाइप 2 में स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो साइन है ये या ये किसका सिंबल है, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। अब आप कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे भैया फैक्टोरियल होता क्या है, तो देखो जैसे आप अगर कहते हो फैक्टोरियल 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1 1 into 1। फैक्टोरियल 2, तो इसकी भी वैल्यू होती है 2। फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू हो जाती है 6। अब आप सोच रहे होगे ये 6 कैसे आ गया, तो देखो 3 into 2 into 1, तो यहां से आया 6। यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। अगर मान लो 1 into 2 into 3 into 4 into 100 तक है लगातार, तो आप इसे फैक्टोरियल 100 में भी बता सकते हो, बोल सकते हो, ओके, फैक्टोरियल 100 भी आप बोल सकते हो, ओके। फिर से मैं बता रहा हूं फैक्टोरियल मतलब क्या, तो देखो फिर से एक बार समझो, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, 6 कैसे आया, फिर से 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 into 1 इज कॉल्ड फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, तो 6 into 4 कर लो 24, 6 into 4 कर लो 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 24 into 5 कर लो 120। तो चूंकि अभी हम लोग जीरो पढ़ रहे हैं, काउंटिंग जीरो, ना कि फैक्टोरियल, तो आप एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि किस फैक्टोरियल पे जाके जीरो आना स्टार्ट हुआ, तो फैक्टोरियल 5 पे आपका 10 आना स्टार्ट हुआ। तो बताओ फैक्टोरियल 5 पे 10, तो फैक्टोरियल 10 पे 20, 5 फैक्टोरियल पे सिंगल, तो फैक्टोरियल 10 पे 20, फैक्टोरियल 15 पे 30, ऑब्वियसली फैक्टोरियल 20 पे 40, फैक्टोरियल 25 पे 5, बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं 60 आता है, मैं वही कह रहा हूं फैक्टोरियल 25 पे 60 आएगा, इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं, आपको उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ दे दे रहा हूं कि फैक्टोरियल 25 पे 60 होंगे। उसके बाद हम लोग उसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे लाएंगे वो 6। फिलहाल मैं आपको 25 फैक्टोरियल, जैसे मैंने कहा कि 60 होंगे ना कि 5, बहुतों के दिमाग में चला होगा 5, लेकिन मैं 6। देखो कैसे भैया, फैक्टोरियल 25 है तो इसको एक्सपैंड करो, तो 25 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपैंड करेंगे, 25 into 24 into 20 into 21 into 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1
यही मीनिंग होता है फैक्टोरियल का भैया। तो इसको मैंने देखा अपने टाइप वन में कन्वर्ट करके आपको प्रूफ कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो मैंने कहा था ना कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टूज एंड फाइव, हमें बस दिलचस्पी है दो और पांच से, बाकी किसी से मतलब नहीं, याद रखना हमें टू और फाइव से लेना देना है। उसमें भी क्या, उसमें भी जिस पर पावर कम आने की उम्मीद है उसी को हमके चेक करना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टू की भरमार है, टू का फैक्टर बहुत ज्यादा है फाइव के मुकाबले, तो क्यों ना हम लोग सिर्फ फाइव्स को कलेक्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन में फाइव्स को कलेक्ट करेंगे तो 25 पे आपका फाइव का स्क्वायर आ रहा है, 20 पे 5 × 4 यानी एक फाइव वहां से निकाल बाहर कर सकते हैं हम लोग, 15 में फिर एक फाइव बाहर निकाल सकते हैं, 10 में फिर एक फाइव निकाल सकते हैं, और 5 में तो एक फाइव है ही बच्चों। तो बताओ कितने फाइव्स आ गए, तो दो यहां, एक तीन, एक चार, एक पांच और एक छह। तो यानी कितने फाइव्स आ गए, छह। और क्लियरली दो का जो भी पावर आ गया होगा छह से बहुत ज्यादा होगा, छह से ग्रेटर होगा, तो क्लियरली कितने जीरो होंगे इसमें, छह जीरो होंगे। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि 25 फैक्टोरियल में पांच नहीं होता, छह होता है। लेकिन इसे आपको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन ट्रिक, ट्रिक क्या होता है वो मैं अब समझा रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एक वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको समझ पाए, इसलिए मैं इस स्तर तक आपको ले गया और समझाने की कोशिश की। तो इसलिए अब ट्रिक पे आते हैं कि सबको पता चल चुका कि छह जीरो होंगे। अब जरा देखो ट्रिक बड़ा ही आसान है, जैसे जीरो निकालने का फैक्टोरियल के केस में बता रहा हूं। तो 25 फैक्टोरियल है, तो क्या करना है हम सबको, सिंपली 25 में पांच से भाग देते चले जाना है, 5 के फैक्टर्स। इसलिए 5 से देते हैं क्योंकि आपने देखा ना 5 को हम लोगों ने पिक किया अभी डिटेल में, तो 5 से ही हमेशा डिवाइड करना है। ओके, तब तक डिवाइड करना है जब तक ये 5 से बिलो ना हो जाए कोशेंट। अभी भी 5 में 5 से डिवाइड किया जा सकता है, जी हां, वन टाइम। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 + 1 कितना हुआ, 6। तो ये है हिसाब किताब। चलो, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार में ना समझ में आया हो, चलो हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 132 फैक्टोरियल मान लो ये है, तो क्या करेंगे, 132 डिवाइड किससे करना है अभी बताओ, 5 से डिवाइड करो, सिर्फ क्वेश्चन को लिखना है। तो 26 × 5 = 130, पॉइंट वाइंट अलाउड नहीं है, 26 ये 26 कहां से आ रहा, समझ रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं 132 में, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, तो ये मैं 26 ले रहा हूं, यही 26, ठीक है, तो यही लेना है। फिर क्या करना है, 26/5 करो, तो बताओ फिर से 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, ओके। फिर अभी भी 5 से 5 में डिवाइड करने की गुंजाइश है, वन टाइम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 32 जीरो, इस केस में क्या आएगा, 32 जीरो। तो ये दो एग्जांपल मैंने फैक्टोरियल पे दिया, ओके, फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 132, ओके। इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूं इसी चीज को कि भाई पहले एक चीज बताओ, 1000 × 100 क्या होता है, पहले ऐसे फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं है, सिंपली आपसे कोई पूछे कि 1000 × 100 बताओ भैया क्या होता है, तो बताओ 1000 × 100 क्या होता है, कितना जीरो ले, तो 5। तो इससे क्या पता चलता है कि मल्टीप्लाई में जीरोस क्या होता है भाई, ऐड होता है, 3 और 2 = 5। तो उसी प्रकार बताओ, अगर मेरा सवाल होता कि फैक्टोरियल 25 है इंटू फैक्टोरियल 132 है, अब बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे, तो बताओ 25 फैक्टोरियल में आपने कितना फाइंड करके रखा है, 6, तो यहां पे लिखेंगे 6 जीरो इस पे, और यहां पे कितना जीरो निकाल के रखा है, 32, तो यहां लिखेंगे 32 जीरो। अब बताओ, अब इन दोनों में इंटू होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, तो 6 + 32 कितना जीरो हो जाएगा, 38 जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर फैक्टोरियल हो तो सेपरेटली पहले जीरो फाइंड आउट कर लेंगे
और जो भी जीरोस आएगा उसको ऐड कर लेंगे, ये तरीका हुआ। ओके, अब इस बहुत जल्द इस पर क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, हम लोग साथ मिलके बनाएंगे। तो पहले हम आपको थ्योरी समझा रहे हैं, कंसेप्ट इसका दे रहे हैं। ओके, तो थोड़ी देर बस और सब्र करें एक एक करके। तो ये फैक्टोरियल वाली केस है कि इनटू रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वन बाय वन निकाल के, जैसे 6 जीरो और 32 जीरो तो क्या हो गया 38 जीरो। अब एक और एग्जांपल इसी टाइप से, नेक्स्ट एग्जांपल कह सकते हो आप, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं आपसे कुछ इस प्रकार कहूं कि भैया 32 फैक्टोरियल इंटू 77 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, मान लो 2 से नहीं 3 हुआ, अब बताओ इसको इंटू करेंगे तो जीरो कितना आएगा, क्या करेंगे बताओ, अभी बताया। सबसे पहले बड़े शांत दिमाग से 32 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा पहले इसकी पता करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 जीरो, 6 5 6 5 6 30 6/5, ये जो 6 आया ना इसमें फिर से भी 5 से भाग दो तो 5 1 5 स्टॉप, क्योंकि ये 5 से कम हो गया, ऐड करो पहले तो 7 जीरो, यहां से हुआ 7, अभी भी 77 फैक्टोरियल है, क्या करेंगे 77/5 करो तो पहले भाग दो, भाग भाग तो ये हुआ 15, 15/5 करो तो ये हुआ 3, अब जोड़ दो तो यहां से हुआ 18 जीरो। ओके, अभी 14 है, 14/5 करो 2 पॉइंट नहीं लेना, 2 5 2 जा, बाकी रिमाइंडर उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तो यहां से कितना निकला 0 2 0। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे, अभी ना सिखाया था थोड़ी देर पहले, ऐड होगा तो 7 जीरो प्लस 18 जीरो प्लस 2 जीरो, यानी कुल मिला के कितना जीरो, 18 7 25 और 2 27 जीरो। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, एकदम डंके की चोट पे आप कह सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुरुजी 27 जीरो ही आएगा फाइनली। ओके ओके, अब मेरे दिमाग में कैट प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं चाहता हूं आप सबसे शेयर करूं ताकि बहुत स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट भी कर सके और मैं भी अटेम्प्ट कर सकूं, मैं भी आपको समझा सकूं, ठीक है। तो कैट में आया हुआ क्वेश्चन था जो कि अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया, कैसे बनाना है। जैसे सवाल पूछा गया था भैया फैक्टोरियल पे ही, सवाल था इस प्रकार कि भाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन था, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन, आप देख सकते हो कहीं पे भी कि बताओ इसमें कितने जीरो होंगे। तो देखो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, सबसे पहले ये बताओ किस फैक्टोरियल से हमारा जीरो आना स्टार्ट होता है, क्लियरली फैक्टोरियल 5 से, यानी 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ओके, तो क्या करेंगे अब इसका सॉल्यूशन, फैक्टोरियल 1 से आपका फैक्टोरियल 4 में एक भी जीरो नहीं, नो जीरो, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 है ही नहीं। ओके, 5 है ही नहीं, कहां से जीरो स्टार्ट होगा, 5 से। तो बताओ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक, अब जरा बताइए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक, तो फैक्टोरियल 5 में 1 0, फैक्टोरियल 6 में भी 1 0, तो जहां जहां 1 1 आ रहा है ना इसलिए हम 5 से 9 तक लिए। कुछ लोग सोच रहे हैं 5 से सर 50 तक कर दो ना एक साथ, नहीं वैसे में गड़बड़ हो सकता है काउंटिंग में, तो हमने क्या किया इसको रेंज में बांटा कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 में कितने जीरो होंगे, तो 5 जीरो होंगे, कैसे, 5 फैक्टोरियल पे 1, 6 पे भी 1, 7 पे भी 1, 8 पे भी 1 और 9 पे भी 1, यानी कुल मिला के 5 इंटू 1 कर दो, मतलब क्या गो जीरो आएगा इसमें, 5 जीरो आएगा, कहां से कहां तक, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक। अब फैक्टोरियल 10 से,
फैक्टोरियल 14 तक। अब बताओ फैक्टोरियल 10 में दो जीरो, तो दो 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 पांच बार है, 10 से 14, तो क्या कर दो डायरेक्ट 5 × 2 = 10। क्या मैंने कहा, फिर से समझो, फैक्टोरियल 10 पे दो जीरो और 10 से 14 के बीच के कितने नंबर है, टोटल 5, तो 5 × 2 कर दिए। इस तरह से चलना पड़ेगा, नो शॉर्टकट, क्योंकि ये कैट का क्वेश्चन है, ये नहीं कि गली मोहल्ले का क्वेश्चन था। ओके, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19, 15 पे 15 पे 3, तो कर लो 5 × 3 कर लो, 5 × 3 15 जीरो आप लोग कर लो। अब तो आप लोगों को मिल गया होगा किक। अब देखो फैक्टोरियल 20 पे फैक्टोरियल 24 तक, 20 5 × 4 20। अब जरा देखो, अब यहां पे थोड़ा सा बात गंभीर होगा। फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 29 में, 25 पे आपने क्या कहा था, 6 होता है, मैंने पिछले भी प्रूफ कर दिया है कि 6 जीरोज होता है, तो 5 × 6 कितना 30। 6 जीरो सब में होगा और 5 नंबर है, तो 5 × 6 कर दो। उसी प्रकार फैक्टोरियल 30 से फैक्टोरियल 34 में, अब बोलो फिर 5 × 7, क्योंकि 30 पे 7 जीरो तो 35 जीरो। फैक्टोरियल 35 से फैक्टोरियल 39 तक, 35 पे 8 तो 8 × 5 कर लो, 5 × 8 कितना जीरो 40 जीरो। फैक्टोरियल 40 से फैक्टोरियल 44 तक, 5 × 9 45 जीरो। फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 45 से फैक्टोरियल 44 तो ले चुका 5 × 10 50 जीरो, और अंत में बच गया 50 फैक्टोरियल यानी 12 जीरो। 50 पे 12 आएगा, 5 से डिवाइड करके देख लेना 12 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, सबको वापस जोड़ेंगे, तो 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 30, 80, 80, 35, 115, 115, 40, 155, 155, 5, 160, 40, 200, 250 और 12, 212 जीरो। आराम से भी जोड़ लो, 5, 10, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 30, 80, 80, 35, 115, 115, 40, 155, 155, 45, 200, 255, 155, 200, 250, 255, 45, 200, 250, 255, 45, 200, 255, 255, 45, 200, 255, 265, यानी इसमें टोटल कितना जीरो आएगा 262 जीरो, यही हमारा आंसर हो जाएगा 262 जीरो। और जब आप फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 50 तक करोगे ना, तो 262 जीरो आपको प्राप्त होगा। ओके, क्यों जोड़ा, क्योंकि इनटू है, इनटू में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब भी इनटू का केस रहे तो जीरो ऐड होता है, जुटता है, ऐड होता है। ओके, अब एक और लास्ट में फाइनल एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम साथ साथ करेंगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाए, अब देखो 1 का पावर फैक्टोरियल 1 × 2 का पावर फैक्टोरियल 2 × 3 का पावर फैक्टोरियल 3 × 4 का पावर फैक्टोरियल 4 ×, शायद मैं थोड़ा इधर से कर गया, थोड़ा सा एक बार और देखो, मैंने क्वेश्चन क्या लिखना चाह रहा था, 1 का फैक्टोरियल 1 × 2 का पावर फैक्टोरियल 2 × 3 का पावर फैक्टोरियल 3 × 4 का पावर फैक्टोरियल 4 × 5 का पावर फैक्टोरियल 5 × 6 का पावर फैक्टोरियल 6 × 7 का पावर फैक्टोरियल 7 × 8 का फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल 8 × 9 का फैक्टोरियल 9 × 10 का फैक्टोरियल 10। ओके, ये क्वेश्चन। अब इसमें हमें जीरो काउंट करना है,
भैया जीरो काउंट करना है इसमें, ओके यहां से वहां तक क्या होगा इसका आंसर सोचो। पता है इसका आंसर तुरंत क्या होगा? हमें पांच के मल्टीपल को देखना है बस। इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 प्लस 5 का मल्टीपल यहां है और यहां है, क्योंकि 2 का फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो 5 का जो भी पावर होगा उसको लेना है। तो 5 का पावर है फैक्टोरियल 5 और कहां पे है, 10 का पावर फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 यही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि इसको एक्सपैंड करके भी दिया गया हो कहीं कहीं, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120 और फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होता है 36,28,800, ऐसे होता है। इसको आप जोड़ दो तो यू विल गेट द नंबर ऑफ जीरोज। क्या मैंने किया, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120 और फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होता है 36,28,800, ओके दोनों को जोड़ दो तो ये आपका फाइनल आंसर। चलो मैं ही जोड़ देता हूं, 36,28,920 जीरो आएगा भैया, ये आंसर हो गया इसका। क्या मैंने किया फिर से समझो भैयो भाइयों बच्चों, जो देखो 2 वाले को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 की किल्लत है, जिसकी किल्लत होती है उसी का पावर लिया जाता है। तो 5 का यहां पे है, 5 का मल्टीपल यहां पे है, 5 और 10 पे है, तो पावर पे क्या है, पावर में ऐड होता है, तो पावर ऐड कर दो, तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 यही आंसर हो जाएगा, 36,28,920 नंबर ऑफ जीरोस, ओके। 2 को देखना ही नहीं। अब आता हूं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा वन बाय वन करके, तो कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बैठे बैठे आराम से। आप तो घर बैठे, मैं तो स्टूडियो में आपके सामने। हाँ, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे, पहला क्वेश्चन सवाल पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि भाई 2 × 4 × 6 × … × 200। अब बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर्स में आप पाओगे, ये गारंटी है। इसलिए एक एक करके देखो कितना जीरो होगा इसके अंतर्गत। तो हम लोग क्या है इसमें अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, हमें 5 के फैक्टर को लेना है क्योंकि 2 की तो भरमार 5 के ही कमी है, तो 5 पर अटैक करना है। तो पहले अटैक करने से पहले क्या भाई, हम लोग 2 को 2 × 1 भी लिख सकते हैं, जी हाँ। 4 को 2 × 2 भी लिख सकते हैं, जी हाँ। 6 को 2 × 3 में ब्रेक किया जा सकता है, जी हाँ। तो उसी प्रकार 200 को 2 × 100 में भी ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं, बोलो। क्या मैंने किया, 2 को 2 × 1 में, 2 × 2 में, 2 × 3 में, यानी कुल मिला के 2 का पावर 100 है और अंदर क्या बच गया, 2 का पावर 100 कैसे हुआ, यहां पे 2 पहला फर्स्ट है, यहां 2 का पावर 100 है, 2 का पावर 100 है। अब फिर 1 × 2 × 3 अंदर वाला 100 तक बचा। अब बताओ जो भी खेल होगा यहीं से ना होगा, यानी इसको हम लोग कितना का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 100 का फैक्टोरियल, ये तो 2 का पावर 100 है, इसको हम लोग 100 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना, अभी ने बताया थोड़ी देर पहले, जब लगातार हो 1 × 2 × 3 100 तक, तो 100 का फैक्टोरियल भी कह सकते हैं हम लोग। अब बताओ जीरो इसी पे ना डिपेंड करेगा, तो क्या करेंगे, इसको किससे भाग देंगे, 5 से, क्योंकि 5 के फैक्टर को जाना है, फिर 20/5 करेंगे यानी जोड़ो, 24 जीरो आएगा। जरा देखिए आप लोग चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन, जो 24 जीरो, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। हमारे पास 2 का पावर बहुत था लेकिन 5 ही कमी थी, 5 पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है जिसकी संख्या कम होगी 2 या 5 में से, उसी को बस टारगेट करना है, उसी को पिक करना है।
तो इसीलिए मैंने 100 फैक्टोरियल इसको लिखा और इसमें 5 से भाग दे करके 5 की कितनी संख्या होगी वो निकाल लिया, 24 संख्या होगी, यानी कितना जीरो प्रोड्यूस होगा, 24 जीरो प्रोड्यूस होगा इस क्वेश्चन में। ओके, अगला सवाल, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 × 3 × 5 × 7 ... तो आप समझ ही गए, ऑल आर ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ओके, कहां तक, 887 तक, सवाल शायद यही है, 887 तक। अब आपसे पूछा गया कि बताओ बताओ भाई इसमें जीरो कितना होगा, तो बोल दो ना, नो जीरो, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं, नॉट अ सिंगल जीरो। बोलो क्यों, टू है ही नहीं, पांच भले आगे आ सकता अभी है भी, लेकिन टू है ही नहीं, बगैर टू के आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे जीरो, तो इसमें कितने जीरो होंगे, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी, जीरो जीरो। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, नो जीरो, जीरो जीरो। तीसरा सवाल, अब आप फिर से आप अभी तुरंत लर्न किए हो, तीसरा सवाल है फैक्टोरियल 77 × फैक्टोरियल 42। अब तो बताओ कितना होगा, अब तो सब लोग समझ गए होंगे जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। चलो बताओ, 77 डिवाइडेड बाय, क्या मैंने बोला 5 से डिवाइड करना 15 बार, 15/5 किससे डिवाइड करना 5 से, 5 × 3 = 15 ऐड कर लो, 18 जीरो यहां से, अब बोलो 42 भी तो है, तो 42/5 करो 8 बार, 8/5 करो 1 बार, 5 × 5 अब जोड़ो 9 जीरो, अब बोलो इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 18 + 9 कितना हुआ 27 जीरो, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 27 जीरो होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, सी। सी इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन सी। बातें समझ में आ रही होगी, मैं सब उम्मीद करता हूं। चौथा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखो, 1 का पावर 1, अभी तो मैंने एक फैक्टोरियल वाला खुद से एग्जाम्पल दिया था, एक मैंने विदाउट फैक्टोरियल वाला आपके सामने रख रहा हूं, आपको बनाना है 2 का स्क्वायर 3 का पावर 3 ... इसी तरह गया है 10 का पावर 10, मैंने 3 पे ही ले लिया ... मतलब समझ जाओ 3 के बाद 4 आया होगा, 4 के बाद 5 और 10 का पावर 10। अभी मैंने आपको बड़े ठंडे दिमाग से समझाया कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइव्स को, फाइव्स के मल्टीपल को ट्रैप करेंगे, पिक करेंगे, 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 की भरमार है, 5 की किल्लत है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, 5 का पावर 5 भी आया होगा आगे, और कॉमा 10 का पावर 10 में भी 5 है, अब क्या करेंगे, 5 कितने हैं टोटल, 5 पर पावर 5 है यहां, तो 5 जीरो होगा, प्लस 10 पर 5 पर ही पावर 10 भी होगा, तो 5 + 10 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 15 जीरो होगा, यानी 5 वाले मल्टीपल को हमें पिक करना था, सेलेक्ट करना था, 2 से कोई लेना देना नहीं था, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो 15 जीरो होंगे इसके अंदर। ओके, अगला सवाल, 5 नंबर, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपने बना बना करके इतनी बार बनवा दूंगा कि याद हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 × फैक्टोरियल 200। फिर से बताओ भाई क्या करना है, 100 में फिर से 5 से डिवाइड करो 20 में 5 से डिवाइड करो 4 जोड़ दो, तो यहां पे 24 जीरो आया, 5 से ही भाग देना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं,
फिर 200 में 5 से भाग दो, भाग देना तो सबको आता ही है, 40 टाइम्स जाएगा, नहीं आता तो सीख लो यहां से 58 जा 8 बाई 5 वन टाइम जोड़ दो 49। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ दो तो 24 और 79, क्योंकि यहां इंटू का साइन है तो इंटू के साइन में जीरो क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं प्लस होगा, तो 24 प्लस 49 कितना होगा 730। कौन से ऑप्शन में जरा चेक करो, 730 ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो याद रखना आज के बाद कभी बोलना मत इसका जो आंसर है 73 फैक्टोरियल के केसेस में। अब आखिरी सवाल आज का, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फाइनली। बोलोगे सर हम लोगों की प्रैक्टिस का क्या, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत आज ही आपको हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से डाउनलोड कर लोगे इस पे और से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी पर सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इतने क्वेश्चन बता दिया और मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको शेयर करेंगे आज, वो सारा का सारा क्वेश्चन एक में भी डाउट नहीं होने वाला। अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो आप दोगे तो हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, लेकिन हमें मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इतना बताने के बाद। ओके, आप ध्यान से देखना सारे वीडियोस को। ओके, अंतिम सवाल, जैसे मैंने कहा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सवाल था कि 25 × 125 × 16 टाइप वन वाला ही क्वेश्चन है लास्ट में, × 32 × 16। अब देखो फाइनल, मैंने जैसे कहा कि जिसकी भरमार होती है उस पर हमकी नजर नहीं पड़ती, जिसकी कमी होती है ना 2 और 5 में उस पर हम लोग टारगेट करते हैं। तो जैसे क्लियरली देख सको हो ना, 2 की तो भरमार है 2 का पार 4 2 का पार 5, फिर से 2 का पार 4, किसकी कमी है 5 की, तो क्यों ना फटाफट हम लोग 5 को ही टारगेट करें पिक करें, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, और यहां 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बाकी को जाने दो ना, बाकी को जाने दो क्योंकि वो ज्यादा ही है 2 और 3, यानी इस केस में कितना जीरो प्रोड्यूस होगा, 5 जीरो प्रोड्यूस होगा क्योंकि 2 और 3 5 हुआ और 2 की ज्यादा संख्या थी इसलिए इस पर हमें नजर नहीं गई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है पहला ऑप्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने हम लोगों के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, नॉट ओनली इन मैथ्स बट ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, जीए वगैरह सब में, एक एक करके हम लोग डे बाय डे और आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पेश करेंगे। ओके देन, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।